Assalamu alaikum guys, today I'm going to tell you about some useful tips which you can use in writing a research proposal. So starting from the beginning, what is the research proposal? So research proposal should reflect the following points: what you are going to research, why you are going to research, what is the significance of the research in this area, how you are going to conduct the research, yani kya hum kyun kar rahe hain, hum kaise kar rahe hain aur humne ye research conduct kyun karwai hai. Aapke research proposal mein ye sari cheeze bhi add honi chahiye. Then what are the advantages of research proposal? इससे एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें होता है वो हमें अपना रिव्यू मिल जाता है, क्रिटिकली रिव्यू मिल जाता है कि और हम इवेल्यूएट कर लेते हैं हमारी करंट रिसर्च को खुद. हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हमारी रिसर्च की वर्थ क्या है और हम इसकी वजह से फोकस्ड भी रहते हैं अपने रिसर्च पर. देन सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्टेंट्स ऑफ द प्रपोजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ये फॉर्मेट जो होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिफरेंट आता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स सबके सेम होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और इन कंपोनेंट्स पे एक एक करके बात होगी बहुत डीपली. सो फर्स्ट इज द टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, इंट्रोडक्शन एंड एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ द रिलेटेड रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी एंड बैक मैटर. So, then टाइटल पेज. टाइटल पेज पे जो है हमारे डिफरेंट जो होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, वो हमें डिफरेंट टाइटल पेज बनाने का कहते हैं, फॉर्मेटिंग डिफरेंट करने का कहते हैं, लेकिन एक टाइटल पेज में ये पॉइंट ज़रूर ऐड होने चाहिए जो है टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्चर नेम विद डेजिग्नेशन, सुपरवाइजर का नेम, मोनोग्राम कोई भी, और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिप्शन. एब्स्ट्रैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे पहले ऐड होता है कि आपकी रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसकी समरी क्या है, 200 वर्ड्स की होती है, और इसके अंदर सारे के सारे मेजर कंपोनेंट्स को टच किया जाता है जिसको हम रिसर्च प्रपोजल में हमने ऐड करना. देन टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ये भी नेसेसरी होते हैं, इनको भी ऐड करना चाहिए. ये भी एक अच्छी यानी कि प्रेजेंट करने का तरीका है अपनी किसी भी रिजल्ट्स को या चीज़ों को. तो इसके अंदर आप इलस्ट्रेशंस और टेबल्स और अपेंटिसेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुँचा सकते हैं दूसरों तक. देन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज द मेन एंड द क्रूशियल थिंग्स विच यू कैन ऐड इन आवर रिसर्च प्रपोजल टू मेक इट वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द रीडर. सो इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि हम सबसे पहले तो हमने ये ऐड करना होता है कि हमने रीडर को इन्फ्लुएंस करना होता है कि हम हमारा पूरा रिसर्च प्रपोजल पढ़े, जिसके वजह से इंट्रोडक्शन में हमने तकरीबन तमाम मेजर पॉइंट्स को कवर करना होता है, जो वो मेजर कंपोनेंट्स को कवर करना होता है जो हमने अपने रिसर्च प्रपोजल में डिस्कस की हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्रूशियल वैल्यू रखता है किसी भी चीज़ की क्या कहते हैं एवेल्यूएशन में. स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिखती है कि आया कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, हम इसके ऊपर काम क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक अप्रोप्रिएट मैनर में जो है लिखी होनी चाहिए. देन रिव्यू ऑफ द रिलेटेड रिसर्च. रिव्यू भी करना लाजमी होता है इसका. उसके अंदर आप साइटेशन ऐड करें, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स ऐड करें, सब्सिक्वेंट स्टेजेस डिफरेंट चीज़ों की ऐड करें, डेवलपमेंट के लिए हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट करें, लिटरेचर रिव्यू लिखें, यानी कि आप अपने काम को डिफरेंट तरीक़ों से सही और अच्छा साबित करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपका काम वैलिड भी होगा. देन रिसर्च डिज़ाइन पे आ जाते हैं. सबसे पहले हमें उसके लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव चाहिए होते हैं कि हमारे गोल्स क्या थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हाइपोथेसिस क्या थी, पहले क्या हाइपोथेसिस आई, बाद में हमने उनसे अजम्पशंस क्या बनाई, डेफिनेशंस क्या आई चीज़ों की, मेथडोलॉजीज कौन सी यूज़ हुई किसी भी चीज़ की डिडक्शन में, किसी भी चीज़ की अगर हमने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई या नहीं उसकी डिडक्शन में और इन सब चीज़ों में और एक्सट्रैक्शन में और ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा, यानी कि आखिर में हमने उस चीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया. देन इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, यानी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर हमने जाकर रिसर्च की तो वो कैसी हुई, और क्या कहते हैं ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल थे, और हमें अपने रिसर्च प्रपोजल को ऐसे ही डिज़ाइन करना चाहिए कि हमें इंस्टीट्यूशनल हमें जो है आने जाने में इतना प्रॉब्लम ना हो और ये रिसर्च जो है हमारी अच्छे तरीके से कंडक्ट हो जाए. देन लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी. जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं वहाँ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जो खुद रिसर्च प्रपोजल लिखने वाला अपने रिसर्च प्रपोजल में बताता है कि मुझे ये मुश्किल पेश आई, ये उसकी लिमिटेशंस थी और मैंने उसको इसमें ऐड किया है, और इस यानी कि प्रोसीजर को या इस एक्सपेरिमेंट को लगाते हुए उसकी ये लिमिटेशंस थी, उसके ये ड्रॉबैक्स थे या उसके ये एडवांटेजेस थे. देन बैक मैटर ऐड करना भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होते हैं, यानी कि हमने जहाँ से कोई बिब्लियोग्राफीज हमने ऐड करनी है, हमने उसके अंदर अपेंडिसेस याद ऐड करनी है, इंडेक्सेस याद ऐड करनी है, रेफरेंसेस या साइटेशंस के वर्ड्स ऐड करने हैं, तो ये सारे वो मेजर और बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने किसी भी रिसर्च प्रपोजल को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं अपने रीडर्स के लिए और उनके ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।